मुझे लगता है कि मैं आपके साथ हिंदी में बात कर सकता हूँ। आप किसी मित्र को यदि हिंदी समझ में नहीं आए तो वो किसी दोस्त दूसरे दोस्त को अपने पास बैठा ले जो उसकी मदद कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बहुत जल्दी से दो तीन बातें कह के फिर आपके सवालों के लिए समय दूंगा। जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलें हम लोग। मैं कैसे कहूँगा कि मेरी तरफ आप देख लें तो जल्दी से हम चलते रहेंगे। मैं आपको दिल्ली से कुल 250 किलोमीटर पश्चिम में ले जाना चाहता हूँ। ये जगह है वो जहाँ कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट से मरी हुई सूखी नदियां जिंदा हुई। ये एक अरवरी नदी है, नेक्स्ट, उसका नदी का ऊपर का हिस्सा और ये अंडरग्राउंड एक्वीफर का चित्र है। और मैं बहुत ज्यादा नहीं इस पर बातें करूंगा, आप लोग जरा समझ लें और फिर सवाल पूछ लें तो अच्छा होता है। मैं दिल्ली से इतने निकट होने के बावजूद एक विनाश की कहानी आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं। हम कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें हमारा पेट भर दिया आजादी के बाद, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने धरती का पेट खाली कर दिया। और जब धरती का पेट खाली होता है तो फिर उसके ऊपर रहने वाले इंसानों का पेट नहीं भरता। इसका मतलब ये कि जब हमें आजादी मिली, उस आजादी के बाद हम लोगों के पेट में अनाज नहीं था, हमें ज्यादा अनाज पैदा करने की चाह थी, जरूरत थी, इसलिए हमने बहुत सब्सिडी दी एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर में इरिगेशन बढ़ाने के लिए पहले कुएं खोदे गए, तब 20-15-20 फीट पे पानी मिल जाता था, फिर वो 50 फीट तक खोदते गए और 50 फीट के बाद जब कुएं में पानी नहीं मिला तो फिर ट्यूबवेल लगाने पड़े, फिर ट्यूबवेल भी सूख गए तो फिर बोरवेल लगाने पड़े, फिर बोरवेल भी सूख गए तो सबमर्सिबल पंप लगाने पड़े, उसमें नीचे डाल के पानी निकालना 1400-1500 फीट तक। फाइनली धरती का पेट खाली हो गया। ये चित्र यहां से 250 किलोमीटर पश्चिम में है, 1985 का चित्र है। उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था, मेरे कैमरे का फोटो नहीं है, ये भारत सरकार का फोटो है। ये सिचुएशन थी उस इलाके की डिग्रेडेशन की। तो आप कह सकते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, बट डेवलपमेंट विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन एंड डिजास्टर। डेवलपमेंट तो किया क्योंकि हमने बहुत अनाज पैदा कर लिया, लेकिन उस अनाज ने डिस्ट्रक्शन किया। जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला और खेती करने के लिए रोजगार नहीं मिला, तो वहां के लोग लाचार हो गए, बेकार हो गए और बीमार हो गए, और बीमार होके उजड़ गए। ये है एक विकास की कहानी, आप लोगों को जाके देखना चाहिए। नेक्स्ट, अभी आपने धरती को देखा था, अभी आप नदी देखिए। ये नदी, जिस नदी को आप पहले नक्शे पे देख रहे थे, ये उसके ऊपर का चित्र है पहाड़ों में। ये जो दो आदमी जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सड़क है, लेकिन दिस इज नॉट द रोड, दिस इज द रिवर, ड्राई डेड रिवर। और ये उसका ऊपर का, ये वाला जो चौड़ा हिस्सा है, ये उसका नीचे का हिस्सा है नदी का। तो दिस इज द सिनेरियो नाउ इन माय कंट्री, रिवर इज ये दृश्य है हमारी मरती और सूखती नदियां हैं। एक नदियां वो जो हिमालय से आती हैं, बर्फ से आती हैं, दूसरी नदियां वो जो सबसरफेस वाटर से फ्लो करती हैं। ये नदी सबसरफेस की नदी थी, बारिश में बादल से निकल के पानी की बूंदे धरती पे आती थी, धरती बादल से निकल के धरती तक आने की बूंद की यात्रा को इंद्रजल कहता है हिंदुस्तान। जब वो जल धरती पे आया के बहने लगता है तो उसको वरुण जल कहता है, वरुण, वरुण देवता। और जब वो पानी धरती के पेट में चला जाता है
और धरती के पेट को भर के फिर दोबारा बहने लगता है तब उसको गंगा जल कहते हैं। तो ये वही गंगा थी, वैसे पानी से जो बारिश का पानी आया रिचार्ज किया, और रिचार्ज डिस्चार्ज से जब ज्यादा होता है तो उसका फ्लो बढ़ जाता है और सब सरफेस पे नदी बहने लगती है। नदियां जो सब सरफेस की फ्लो बनने वाली नदियां हैं वो स्प्रिंग से बनती हैं। तो ये स्प्रिंग से बनने वाली नदी थी, ये उस नदी का दृश्य है 1985 का। नेक्स्ट, हम दुखी तो होते हैं लेकिन दुख के बाद सुख का रास्ता भी ढूंढना जानते हैं। ये दुख के दिन थे, फिर एक सुख के दिन आए। आप इस धरती को देखिए कैसी है, ना मिट्टी है ना पानी है, और लाइनिंग कर रहे हैं अब काम शुरू करने की। जब काम शुरू कर रहे हैं तो बस बूढ़े लोग हैं, एक जवान आदमी इनके साथ दिख रहा है कहीं पीछे बैठा हुआ, कुछ बूढ़े कुछ जवान। लेकिन जवान ने केवल रियलाइजेशन कराया कि ये काम हम कर सकते हैं बूढ़ों को। बूढ़े निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, उजड़ गए थे, लेकिन एक जवान ने इनसे कहा कि हम इस धरती को दोबारा पानीदार बना सकते हैं यदि बारिश का पानी रोके। तो बस ये काम शुरू हुआ। ये जब काम शुरू हुआ उस वक्त का दृश्य है, फिर वो उठता हुआ फिर बनता गया। और चलिए आगे, आप वर्ल्ड बैंक और यूएन को जानते हैं? वो कहता है कि इंडिया इज ए जेंडर ब्लाइंड कंट्री, वो कहता है इंडिया इज ए जेंडर अनसेंसिटिव कंट्री। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इंडिया इज ए मोर जेंडर। काम का बंटवारा हुआ तो पानी का काम उन्होंने अपने हिस्से में लिखवाया, क्योंकि पानी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में देखते होंगे, मुझे मालूम नहीं कि आपको अपने घर में माँ पानी पिलाती है कि कौन पिलाता है, बाप पिलाता है, मुझे पता नहीं, पर मेरी तो माँ पिलाती थी। तो पानी का जितना भी काम है वो सब माँ करती है, और पानी के जितने भी डिसीजन है वो भी माँ लेती है। ऑल डिसीजन कि पानी कहां रोकना है, कहां चैडम बनाना, कहां एनिकट बनाना, उस सारे डिसीजन प्रोसेस में महिलाएं इन्वॉल्व थी। उस इन्वॉल्वमेंट के कारण भारत के लोग नदियों को मां कहते थे, मां, द रिवर इज मदर। और मां इसलिए कहते थे कि पानी और नदी हमारा जीवन देती है, जीवन चलाती है, जीविका बनाती है, इसलिए उसको मां कहते थे। और जैसे मां अपने दूध से अपने बच्चों को पालती है, वैसे नदी पालती थी हम सबको। तो जब तक नदियां हमें पालती थी तब तक हम नदियों को मां कहते थे, मां आज भी कहते हैं, लेकिन अब हम नदियों के साथ मां जैसा व्यवहार नहीं करते। तो क्या करते हैं? नदियों के साथ मैला ढोने वाली मालगाड़ी जैसा व्यवहार करते हैं। दिल्ली में बहने वाली यमुना, दिल्ली की सारी पॉलिटिक इंडस्ट्री का सारा मैला ढोती है, जस्ट लाइक ट्रेन। हैदराबाद की मूसी नदी, बैंगलोर की अरकावती नदी, पूना की मोता नदी, बंबई की मीठी नदी, कोई भी शहर जिसको आप विकसित शहर कहते हैं, उन सारे विकसित शहरों की नदियां सबसे गंदी है। और वो लोग कहते मां है इन नदियों को, और इनके साथ व्यवहार करते हैं कैसा? मैला ढोने वाली मालगाड़ी जैसा। तो जिस देश की नदियों का चरित्र केवल मैला ढोने का काम बच गया हो, वो देश कहां जाएगा? ये सवाल तुम्हारे सामने छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जब तक भारतीय ज्ञान तंत्र में, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में अपने को खड़ा करने की कोशिश की, तो हमने नदियों के साथ वो दृष्टि, वो दर्शन, वो विजडम, वो विजन बनाया था। वो विजन था, वो वाटर विजन था, जिससे इस देश को प्यूरिफाइड पानी सब जगह मिल सके, शुद्ध जल मिल सके,